नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों वन प्लस टेन आर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये फ़ोन काफ़ी पुराना फिर क्यों लिया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वन प्लस ने वन प्लस एलेवन आर और दोस्तों वन प्लस ट्वेल्व आर भी निकाल दिया, तो फिर टेन आर मैंने क्यों लिया। तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडियो में पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ उसकी प्राइस की, तो इसकी एम आर पी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 39,000 रुपये है। बट दोस्तों इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो समथिंग 30,000 के आसपास है, 28 या 30,000 के आसपास। बस दोस्तों मैंने इसको काफ़ी कम कीमत में लिया है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको परचेस किया है। और जिस कीमत में दोस्तों मैंने इसको लिया है उस कीमत में दोस्तों ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी वेरिएंट की, तो ये मेरे पास 8GB और 128GB वाला वेरिएंट जो है मेरे पास इसका ब्लैक कलर। तो चलिए दोस्तों ओपन करता हूँ बॉक्स को, फिर आपको दिखाता हूँ। और इस फ़ोन के अंदर दोस्तों हमें कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह वो मिलते हैं, जो दोस्तों मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ये फ़ोन मैंने पहले कभी यूज नहीं किया, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। जैसा दोस्तों आप अनजान हो उसी तरीके से मैं भी इसको पहली बार ओपन कर रहा हूँ। यह इसका बिल है दोस्तों, जिसको कुछ कागज़ वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक बॉक्स हमें और मिलता है इसके अंदर जी। इसके अंदर दोस्तों कुछ कवर वगैरह होते हैं, कवर और जो दोस्तों जो कार्ड वगैरह आते हैं वो सब है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कवर वगैरह है और ये कागज़ वगैरह जो होते हैं, पुस्तक वगैरह निकलती हैं वो सब है। ये दोस्तों ये फ़ोन ब्लैक कलर का है, अभी दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये है इसकी डाटा केबल और ये दोस्तों एक इसके अंदर 80 वॉट का चार्जर, जो दोस्तों काफ़ी फास्ट है। और ये दोस्तों केबल टाइप ए टू टाइप सी। चलिए दोस्तों फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। आप देख सकते हो कि फ़ोन दोस्तों पहले से ओपन है, ऑन है, क्योंकि मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए बॉक्स में पैक कर दिया था। और दोस्तों इसका दोस्तों जो गिलास है वो चटका हुआ है, यानी जो टेम्पर होता है वो ख़राब है इसका, बाकी डिस्प्ले एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये फ़ोन मैंने लिया था ओर एक्स से। अब दोस्तों इसकी जो वारंटी है मैं आपको बिल दिखाता हूँ, बिल से दोस्तों एक आइडिया लग जाता है। ये देखिए जी दोस्तों, ये शॉप का नाम है, यहाँ से लिया गया है। और दोस्तों इसकी इनवॉइस डेट जो है जब अभी ख़रीदा है, तो ये दोस्तों 10 जुलाई 2023 का, यानी दोस्तों अभी चल रहा है मई स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी दोस्तों इसकी वारंटी बाकी है, 2-3 महीने की वारंटी बाकी है। यानी दोस्तों ये अंडर वारंटी फ़ोन है। और इसका ई एम आई नंबर वगैरह दोस्तों ये है, इसकी एम आर पी दे सकते हो 28,000 रुपये है, क्योंकि तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि 28-30,000 रुपये समथिंग आता है, तो इसकी एम आर पी है। तो अंडर वारंटी दोस्तों फोन मैंने लिया था ये, अगर आप कैसी पाइप डाल के चेक करोगे फिर भी दोस्तों इसकी कीमत 15 से 16,000 के बीच दिखाई आ रही है, तो उसी कीमत में दोस्तों मैंने इसको परचेस किया है। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मुझे मिल गया है। अगर मार्केट से दोस्तों मैं इसको लेता तो समथिंग ये मुझे 20,000 रुपये के आसपास मिलता। तो दोस्तों ये मेरे पास 128GB वाला वेरियंट है। चलिए मैं चलता हूँ अबाउट फ़ोन के अंदर, आपको फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये रन कर रहा है दोस्तों ऑक्सीजन OS 14 पर, और इसके अंदर दोस्तों एंड्रॉयड 14 भी आ चुका है। इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है फ्रंट कैमरा 16 MP का, और रियर मिलता है 50+8+2 का रियर कैमरा। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि दोस्तों 80 वॉट के चार्जर के साथ आती है, और काफ़ी पार्ट दोस्तों ये चार्ज हो जाता है। इसके अंदर हमें मिलता है मीडिया टेक का डायमंड 8100 का, दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। दोस्तों मेरे पास ये 128GB वाला वेरियंट है, जो दोस्तों काफ़ी बेटर है, और देखो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी दोस्तों इसमें लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। साउंड क्वालिटी दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मस्त है इसकी। अब दोस्तों अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप 15-16 हज़ार का फ़ोन लेते हो अभी न्यू, तो दोस्तों उसमें हमें ये सब नहीं मिलेगा जो दोस्तों मैंने इसको कुछ टाइम चला हुआ लिया है। इसकी कंडीशन काफ़ी बेटर है, और दोस्तों सब कुछ बढ़िया है, और हमारे जो फीचर मिलते हैं इसके अंदर वो भी काफ़ी बेटर हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको इस प्राइस में खरीदा। अगर मैं इसी प्राइस में दोस्तों नया फ़ोन लेता तो वो सब इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता नहीं। तो यही रीज़न था दोस्तों इसको परचेस करने का। बाकी आपको पता ही है कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या चीज़ मिलती हैं, कैमरा क्वालिटी वगैरह सब आपको पता ही है। तो दोस्तों 15 से 16 हज़ार के बीच में दोस्तों ये फ़ोन आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।